नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से, देखिए, तीन लघु कथाएं। उसमें से पहली लघु कथा है और उसका नाम है दो घड़े। इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इन्होंने इन कहानियों के माध्यम से मनुष्य को सीख दी है कि सजगता का महत्व बताया है, समय और धन का सदुपयोग, हर स्थिति को स्वीकार करने की परिस्थिति, यह सीख इन्होंने दिया है। तो इस दो घड़ों की कहानी से हमें सीखना है कि किस तरह से दो घड़े आपस में बात करते हैं और उनमें टकराव होने की स्थिति है। यदि टकराव होने की स्थिति हो जिससे तुम्हारा नुकसान हो रहा हो, उससे अलग ही रहना अच्छा है, चाहे वह उस समय के लिए तुम्हारा दोस्त ही क्यों ना हो। इन दो घड़ों की कहानी के माध्यम से यह हमें बताया गया है। तो आइए हम इसका वाचन पहले देखते हैं कि एक मिट्टी का बना घड़ा था, दूसरा पीतल का। दोनों नदी के किनारे रखे थे। अचानक नदी में बाढ़ आ गई और बहाव में दोनों घड़े बहते चले गए। बहुत समय तक मिट्टी के घड़े ने अपने आप को पीतल वाले घड़े से काफी फासले पर रखना चाहा। पीतल वाले घड़े ने कहा, तुम डरो नहीं दोस्त, मैं तुम्हें धक्के नहीं लगाऊंगा। मिट्टी वाले घड़े ने जवाब दिया, तुम जानबूझकर मुझे धक्के नहीं लगाओगे, सही है, मगर तेज बहाव के कारण हम दोनों जरूर टकराएंगे। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे लाख बचाने पर भी मैं तुम्हारे धक्कों से नहीं बच सकूंगा और मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए अच्छा यही है कि हम दोनों अलग अलग रहें। यह बात किसने कही है? मिट्टी के घड़े ने कही। किससे कही? पीतल वाले घड़े से। इस कहानी से सीख मिलती है कि जिससे तुम्हारा नुकसान हो रहा हो, उससे अलग ही रहना अच्छा है, चाहे वह उस समय के लिए तुम्हारा दोस्त ही क्यों ना हो। तो इस तरह से इन दो घड़ों की कहानी का आपने वाचन किया। तो इस वीडियो के माध्यम से आप क्या करिए, दो घड़े इस कहानी का वाचन करिए, लेखन करिए, और जिससे तुम्हारा नुकसान हो रहा है उससे अलग ही रहने की कोशिश करिए, चाहे वह उस समय के लिए तुम्हारा दोस्त ही क्यों ना हो। तो देखिए ये किस तरह से, ये पीतल वाला घड़ा है और ये मिट्टी वाला घड़ा है। अब मिट्टी वाला घड़ा जान रहा है कि यदि ये मुझसे टकराएगा तो मैं टूट जाऊंगा, इसका तो नुकसान नहीं होगा पीतल वाले घड़े का, क्योंकि वो मजबूत है। परंतु मिट्टी का घड़ा जो है वह मजबूत नहीं है, वो चकनाचूर हो जाएगा। तो अर्थात इस कहानी से सीख दी गई है कि आप क्या करिए, जहां आपका नुकसान हो रहा हो उससे आप अलग ही रहिए। तो इस कहानी के माध्यम से आप इसका वाचन करिए, लेखन करिए। इस वीडियो के माध्यम से आप इसका वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए, और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।